अस्सलाम वालेकुम एंगलर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिश एंड फन। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल टिप देनी है। वो टिप जो है ये है कि इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब मैं फ़िशिंग स्टार्ट की थी मैंने, और तो उस वक्त मुझे एक प्रॉब्लम फेस होती थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं बॉटम फिशिंग कर रहा होता था या शोर फिशिंग कर रहा था और एक ही लाइन में मल्टीपल हुक्स यूज़ करता था, तो वो हुक्स आपस में टेंगल हो जाते थे, लाइन उलझ जाती थी, जिसको बोलते हैं बहुत लोग गुंजल हो जाती थी। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मछली तो लग जाती थी, एक मछली पकड़ने के बाद जो है वो 15 मिनट उसको डोर को सुलझाने में ज़ाया हो जाता था, इतनी देर में दूसरे और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेते थे। तो मैं तो आधा टाइम जो है वो डोर सुलझाने में लगा देता था, उलझी हुई डोर को। तो उसका जो है वो फिर सोल्यूशन जो था वो ये निकला कि सोल्यूशन है उसका टी नॉट। जब भी आप मल्टीपल हुक्स यूज़ करें तो आप टी नॉट अगर जो है वो उससे टाई करेंगे हुक को, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो कभी भी जो कांटे हैं या डोर है वो कभी भी टेंगल नहीं होगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम जो है वो बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग पे फोकस कर चुके होंगे। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें और लर्न करें कि किस तरीके से टी नॉट बनानी है, और इसी तरीके से फिर आप अपनी फिशिंग को इम्प्रूव भी करेंगे। तो आए चलें सीखते हैं टी नॉट बनाना और उसके बाद उसी नॉट में हुक को लगाना। अच्छा एंगलर्स, हम टी नॉट बनाने का आगाज़ करते हैं। आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपके पास एक डोर होनी चाहिए, ये मेरे पास ब्रेडेड लाइन है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेडेड लाइन से बनाएं, आप जो है वो मोनो लाइन से भी बना सकते हैं। और एक कप या ग्लास में आपने पानी ले लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों ले लेना है, और बस इन चीज़ों की ज़रूरत है। और आए अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 12 से 15 इंच जो है वो आगे जगह छोड़ देनी है। वो इसलिए छोड़नी है कि इसमें बाद में आप वेट बांध सकें। तो 12-15 इंच जगह छोड़ने के बाद जो है वो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक लूप बना लेते हैं। ये लूप आपको नज़र आ रहा है कि ये लूप इस तरह का लूप बन गया है। अब ये हमने इससे एक रिंग बनाया, रिंग आपको नज़र आ रहा है, बहुत इजी रिंग बन गया। अब इसमें से हमने डोर को गुजारना है जो इसका सिरा है, और कितनी बार गुजारना है ये तकरीबन जो है वो हमने 8 से 10 बार गुजारना है। तो इसको 8 से 10 बार जो है वो गुजारते हैं। अब तक मैं इसको 3 बार गुजार चुका हूँ। ये 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8 8 बार इनफ है। अब इसको जो है वो टाइट करना है, और यहीं पे जो है वो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। वो इसके लिए कि इस डोर में एक फ्रिक्शन होती है डोर को टाइट करने में। हमने अचानक से इसको टाइट नहीं करना, डोर की फ्रिक्शन को सबसे पहले जो है वो ख़त्म करना है। बिल्कुल स्लो स्लो करके इसको टाइट करना है और इसको ऐसे सीधे भी करते रहना है। ये हमारी जो है वो डोर टाइट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों सिरों को पकड़ लेना है। ये आपको जो डोर टाइट की थी वो आगे आप इसके दोनों तरफ इक्वल जो है वो आपने सिरा पकड़ लिया, और इसके बाद इसको एक और रिंग बनाना है हमने। बहुत आसान है, ये आपने रिंग बना लिया। रिंग बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों सिरों को पकड़ लेना है। दोनों सिरों को पकड़ने के बाद अब आपने इसको ट्विस्ट करना है, और कितनी बार करना है ये भी तकरीबन 10 से 12 बार पकड़ना है। तो मैं इसको 4 बार कर चुका हूँ, काउंट कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 12 बार हो गया। अब जो हमने ये पहली नॉट टाई की थी उसको इस ट्विस्ट के बीच में से जो है वो निकाल देना। ये ट्विस्ट के बीच में से हमने निकाल दिया। ख्याल ये रहे कि ये ना ज़्यादा, इसकी जो नॉट है वो बिल्कुल इसकी बॉर्डर लाइन पे आनी चाहिए, ना आगे हो ना पीछे हो। आगे पीछे होने से इसका नुकसान होता है,
दोबारा से फिर हमने वही करना है कि इसको वेट करना है, इसकी फ्रिक्शन को ख़त्म करना है। इसकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये नॉट प्रॉपर बन जाएगी, और स्लो स्लो ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ कर दिया तो वो एक ही जगह पे जो है वो डोर उलझ जाती है और प्रॉपर टी नॉट नहीं बन सकती, और टी नॉट का फिर जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब ये देख सकते हैं कि ये टी नॉट हमारी बन चुकी है और बहुत आसानी से बन चुकी है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि टी नॉट बनाने का मकसद ये है कि इसमें मल्टीपल हुक्स लग सकें, तो मैं एक बार इसको और ट्राई कर लेता हूँ। वही प्रोसेस है, अब आपने जो है वो इस तरीके से रिंग बनाई, 8 to 10 times जो है वो इसमें से रिंग को पास कराना है, रिंग में से पास कराना है आपने। फाइव सिक्स सेवन एट, मैंने 8 पे जो है वो कर दिया है। अब इसको जो है मैं टाइट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको वेट करना ज़रूरी है। यहाँ हमने इसको वेट कर लिया और ये टाई कर दी नॉट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमने दोबारा से इसकी रिंग बनानी है। रिंग कैसे बनाई? आसान तरीका है, ये रिंग बन गई। अब इसको इसके दोनों सिरों को पकड़ कर ट्विस्ट करना है, ये भी 12 times करना है। काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब क्या करना है कि ये जो पहली नॉट बनाई थी उसको इसके सेंटर में से जो है वो आपने पास कर देना है, और बस ये ख्याल रखना है कि ये इसके करीब होनी चाहिए नॉट, इससे दूर बहुत ना हो, ना आगे हो ना पीछे हो। अब फिर वही इसको वेट करेंगे हम, और इसको स्लो स्लो नॉट को टाई कर देंगे। ये हमारी दूसरी टी नॉट बन चुकी है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये पहली टी नॉट और ये दूसरी टी नॉट। अब इस टी नॉट में मैं आपको जो है वो हुक भी बांधना सिखा देता हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपने इस तरीके से टी नॉट को जो है वो सीधा कर लिया, जो आपकी नॉट बंधी है इसके एक सिरे को जो है वो हुक में से निकालना है। ये एक सिरा हुक में से निकल गया, और इसको निकालने के बाद एक साइड पकड़ के आपने 3 बार जो है वो इसको बल दे देना है। 3 बार आपने इसको बल दे दिया और बस अब आपका काम हो गया है, और आपका ये हुक बन चुका है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये हमारी टी नॉट हो गई और ये हुक बन चुका है। ये मैंने एक और हुक बांधा हुआ है, 2 हुक हमारे बन चुके हैं बहुत आसानी के साथ। अच्छा व्यूअर्स, दिया है मैंने आपको दिखाने के लिए एक पहले से एक रिग बना के रखी है। इसमें आगे जो है वो जो मैंने डिस्टेंस आपसे छुड़वाया था उसमें मैंने वेट बांध दिया है, 12 इंच का 15 इंच का डिस्टेंस देना था, और ये एक टी नॉट हो गई, इसमें एक हुक आ गया और ये दूसरा। इसमें आप मल्टीपल हुक्स भी कर सकते हैं, इसमें आप 3 हुक भी कर सकते हैं, इसमें 4 हुक भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें 2 हुक की जो है वो ये एक टी नॉट और उसकी रिग बना दी है। जब भी आप शिकार पे जाएं तो इस नॉट को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी डोर आपस में नहीं उलझेगी कांटों के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग पर फोकस कर सकेंगे। तो आप इससे सीखें, उम्मीद है आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आप इससे सीखें, अपनी फ़िशिंग को इम्प्रूव करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गर्दनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।